बनाने जा रही हूँ रावा के, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कप मैं मैदा ले रही हूँ, इस कप से एक कप में इसमें डाल रही हूँ। ये हाफ कप कोको पाउडर है, ये मैं लावा केक की तैयारी कर रही हूँ। ये 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा है, 1/3 बेकिंग पाउडर, 1/4 एकदम मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें कप से 1/2 कप शुगर पाउडर डाल रही हूँ, ये 150 ग्राम है शुगर पाउडर। और ये ऑयल है, ऑयल में राइस ब्रांड यूज करती हूँ वेस्टीज का, इसके टेस्ट ऑफ बहुत ही अच्छे आते हैं। अब मैं इसमें दूध डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके। बैटर मिक्स हो गया है, चलिए अब मैं इसे मोल्ड में डाल लेती हूँ। ऐसे ही सारे मैं मोल्ड में डालूंगी। मैं एयर फ्राई में इसे बना रही हूँ। मोल्ड को मैं ऑयल से ग्रीस कर दी थी। अब मैं इसमें चोको चिप्स डाल दूंगी अंदर। सा बैटर फिर मैं ऊपर से भी डालूंगी। ऊपर से मैं बैटर डालती हूँ, रीहीट हो चुका है। अब मैं इसमें मोल्ड को डाल दूंगी। तीन मिनट के लिए मैं सेट की हूँ। चलिए मैं देख लेती हूँ, ये बेक हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है। ऐसे ही मैं और भी बैटर को रेडी कर दी हूँ, और प्री हीट है पहले से ही, इसलिए मैं चढ़ा दे रही हूँ तड़का।
चलिए मैं अब इसे मोल्ड से बाहर कर लेती हूँ। चलिए अब मैं इसे कटिंग करके नहीं दिखाती हूँ, मैं इसके अलग ऊपर के पार्ट को अलग कर देती हूँ। वाह, आप देख सकते हैं कितने ज्यादा लावा इसमें से निकल रहे हैं। इसमें मैं मिल्क चॉकलेट भी डाली थी। आज मेरे बच्चे बहुत खुश हैं इसे देख करके। आप देख सकते हैं सभी के निकल रहे हैं। मैंने इसकी प्लेटिंग कर ली है और हाँ, आप देख सकते हैं ये बहुत ही यम्मी दिख रहा है मुझे भी। और अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू, बाय बाय।